नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित NGS में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 की जो NCERT गणित है उसका जो प्रश्नावली है 1.2, उसके 6 प्रश्न दोस्तों हम लगा चुके हैं। उसका सातवां प्रश्न जो है आज हम देखते हैं, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों पढ़िए दोस्तों, एक व्यापारी है, कोई व्यापार करता है, उसके पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? दोस्तों व्यापारी है, व्यापारी के पास कितने रुपए हैं? व्यापारी के पास रुपए जो उसकी उसके पास हैं, रुपए जो उसके पास में पड़े हैं वो कितने हैं दोस्तों? वो हैं 78,592 रुपये। 78,592 रुपये व्यापारी के पास हैं, ठीक है दोस्तों। एक रेडियो खरीदता है, एक रेडियो का मूल्य कितना है? एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये है। वो 40 रेडियो का ऑर्डर देता है दोस्तों, 40 रेडियो का ऑर्डर देता है व्यापारी, तो 40 रेडियो का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 40 से एक रेडियो का 1,200, 40 से गुणा कर देंगे दोस्तों। गुणा करें आप, ये यहाँ गुणा कर लेते हैं, 1,200 का 40 से, तो 0,000 तो 3 बढ़ जाएंगे, 0 का कुछ मतलब नहीं। 12 चौक 48, कितना आ गया दोस्तों? 48,000 रुपये के रेडियो के ऑर्डर दिए व्यापारी ने 40 रेडियो के। और फिर जब ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, ऑर्डर जब पहुंच जाएगा तो व्यापारी अपने में से, व्यापारी के पास है 78,592 रुपये, उसमें से वो दे देगा 48,000 दे देगा दोस्तों। कितना रुपये बचेगा व्यापारी के पास? दो में से कुछ नहीं गया 2, दो में से कुछ नहीं गया 9, 5 में से कुछ नहीं गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30,592 रुपये व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष बचेंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको इसमें मजा आया होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। एक विद्यार्थी, ये वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं, आठवां, हम लोग आठवां प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 है, छठी क्लास की NCERT गणित की, ठीक है दोस्तों। कहता है एक विद्यार्थी 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर देता है। उसको दोस्तों 7,236 को 56 से गुणा करना था, परंतु वह 65 से गुणा कर देता है। उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? 56 से गुणा करता तो कम संख्या आती, उसने 65 से गुणा कर दिया तो और ज्यादा संख्या आ गई, ठीक है दोस्तों, और ज्यादा संख्या आ गई। तो कह रहा है उसका सही उत्तर से कितना अधिक है दोस्तों? उसको गुणा करना था 7,236 को 56 से, है ना, उसने दोस्तों गुणा कर दिया 7,236 को 65 से, तो जो संख्या आई वो ज्यादा आई दोस्तों, इससे जो संख्या आएगी वो ज्यादा आएगी इससे, ये क्योंकि 65 से गुणा कर रहे हैं, 65 जो है वो बड़ी संख्या है, 65 जो है बड़ी संख्या है 56 से, तो ये जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या आएगी, और जो ये जो संख्या आएगी 35,36 × 56, ये आएगी छोटी संख्या दोस्तों, छोटी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। वो पूछ रहा है कितना ज्यादा आएगा, तो दोनों में जो घटा देंगे वो सही उत्तर से कितना अधिक आएगा वो आएगा दोस्तों। अब घटाइए दोस्तों, या तो आप गुणा करके पूरा घटाइए या फिर इसको ऐसे लिखिए 7,236
गुड़े 65 माइनस, एक तो ये हो गया माइनस 7236 गुड़े में 56। दोस्तों देखेंगे आप यहाँ भी 7036 आ रहा है, यहाँ भी 7036 आ रहा है, तो ये 7036 को हम कॉमन ले लेते हैं 7236। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 65 माइनस 56। आप जानते हैं दोस्तों जो वितरण का गुण होता है, वितरण का गुण जिसे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, वितरण का गुण होता है जो, उसके थ्रू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसको वापस से वैसे लिख सकते हैं, ये संख्या का इससे गुणा होगा माइनस इस संख्या का इससे गुणा होगा। इसी को हम किसी छोटी संख्या से देखें तो हम अधिक समझ पाएंगे दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए हम लोग 6 का गुणा कर रहे हैं, 6 का गुणा 3 से कर रहे हैं दोस्तों, 6 का गुणा 3 से, या फिर इसको 6 के गुणा 3 को हम ऐसे लिख दें, अगर 6 का गुणा कर रहे हैं हम 10 माइनस 7, तो एक ही बात हुई ना दोस्तों, 10 में 7 गया तो 3, या फिर इसको ऐसे लिखें 6 × 10 माइनस 6 × 7, 6 × 3 दोस्तों 18 आता है, और तो यहाँ भी 18 आना चाहिए, 6 × 10 है तो 60, 60 में से 6 × 7 = 42, 60 में से जब 42 जाएगा तो 18 आता है। तो दोस्तों यही चीज़ हमने यहाँ किया, नंबर थोड़े अलग हैं मगर हमने किया यही चीज़ है। 6 ये जो पहले ऐसा लिखा था, पहले ऐसा लिखा था 6 × 10 माइनस 6 × 7, इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया हमने 6 × 10 माइनस 7। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों क्या आता है। आप 65 में से जब 56 घटाएंगे, 65 में से दोस्तों 56 घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा 9, ये 5 में से नहीं जाता तो ये किसने हासिल लिया, तो 15 हो गया और ये दे करके 5 रह गया, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 5 गया तो 0, 9 आएगा दोस्तों, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7236 × 9, ये आप गुणा कर लीजिए दोस्तों, 7236 में 9 का गुणा करिए, 9 6 54 के 4 5 हासिल लगा, 9 3 27 27 और 5 32 के 2 3 हासिल लगा, 9 2 18 18 और 3 21 के 1 2 हासिल लगा, 9 7 63 63 और 2 65, ये आ गया दोस्तों आपका 65 124। क्या पूछा है दोस्तों हमें, कितना गुणा करना था, कितना अधिक आएगा दोस्तों, 65124 अधिक आएगा, 65124 अधिक आएगा, जो उसने गलती कर दी थी गुणा करने में उस वजह से इतना अधिक आएगा, क्योंकि हमने घटाया था कितना अधिक आएगा, वही घटाते घटाते हम इससे पहुंच गए कि 65124 अधिक आएगा, जो उसको गुणा 56 से करना था उसकी जगह उसने 65 से गुणा कर दिया था विद्यार्थी ने, तो कितना अधिक आएगा, 65124। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं, धन्यवाद।